नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है और आगरा के एक ही परिवार के तीन बच्चों ने एक साथ नीट क्लियर किया है। क्या इनकी सफलता का राज है और इस पूरी जर्नी में इनके परिवार का किस तरह से योगदान है, एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले ये बच्चों के आप चेहरे देखिए, खिले हुए चेहरे हैं क्योंकि परिवार के एक साथ तीन बच्चे वो भी डॉक्टर बनने की राह पर निकल चुके हैं। पहले तस्वीरों में जो देख रहे हैं आप, ये इनसे बात कर लेते हैं कि इनका पूरा किस तरह से रहा। नाम के साथ पहले रैंक बताइएगा, कितने नंबर आए और आप डॉक्टर ही क्यों चुना आपने? सर, मेरा नाम पूजा त्यागी है और मेरे 676 मार्क्स हैं और मेरी अप्रॉक्स रैंक 10,000 के अप्रॉक्स है और मेरे जो भैया हैं वो भी डॉक्टर हैं। तो मतलब एक होप थी कि मतलब मुझे डॉक्टर की लाइन में ही जाना है, तो उस शुरुआत से ही परिवार में डॉक्टर वाला माहौल था क्योंकि भैया आपने बताया कि हमारे डॉक्टर हैं। हाँ, वो शुरुआत से ही था, भैया भी डॉक्टर हैं तो उनसे भी इंस्पिरेशन मिलती थी कि मतलब नहीं, डॉक्टर थोड़ा ठीक है प्रोफेशन। मनोज, कितना रैंक आया है? मेरा 13,000 रैंक आया है। 13? कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? हम कोटा से पढ़ाई कर रहे थे। बड़ा लोगों को क्या ना कि नीट जैसे ही सुनते हैं नाम तो बहुत सारी किताबें, बहुत सारी पढ़ाई, कोचिंग से ये सब उनके इमेजिनरी में आता है, तो क्या लगता है कैसे आपने ये सब हैंडल किया, कैसे पढ़ाई की? आपको जो कोचिंग के मॉड्यूल दिए जाते हैं वही इनफ होते हैं। आपको जो टीचर्स होमवर्क दे रहे हैं वो आपको मतलब टीचर्स की आपको बात पूरी मानी है, आप उन पर फोकस करेंगे तो आपका ज़रूर क्लियर होगा। साक्षी कैसा लग रहा है, सॉरी मानसी कैसा लग रहा है? पहले तो आपने नीट निकाला है और तीनों भाइयों ने एक साथ, बहन भाइयों ने, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहली बार में ही हमने नीट निकाल लिया है, वो भी अच्छे मार्क्स से निकाला है, तो खुशी तो है। पहले बताइए सर, परिवार में कितनी खुशी है, कितने फ़ोन आ गए? देखिए सुबह से कल से बधाइयों का तांता लगा हुआ है और ये हमारी कम्बाइंड फैमिली का ही नतीजा है। हम तीन भाई हैं, कम्बाइंड फैमिली में रहते हैं, हमारे सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, हम बच्चों के साथ भी एक फैमिली हमेशा इनके साथ जुड़ी रही है। इनको हमने बाहर कहीं नहीं आने जाने, टोटल फोकस इनकी टोटल उस स्टडी पे ही रहा है और इनको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम कोटा में कोचिंग कर रहे हैं, अपने घर हैं, घर जैसा है, इनको हमेशा से घर जैसा माहौल दिया हमने। टिप्स दे दीजिए, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे आपको, बच्चे देख रहे होंगे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो टिप्स कहाँ हैं? आपने महज 17 साल की उम्र में नीट क्लियर कर लिया है, तो वो है ना डू एंड डाई कि वो भैया करो मरो वाली स्थिति आ गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? करना तो सिर्फ इतना है कि जो आपके पेरेंट्स, जो आपके टीचर्स हैं, वो जो आपको गाइड कर रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं। बस अगर आप मतलब आपके मार्क्स अगर कम भी आ रहे हैं, आप थोड़ा वो भी फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो कुछ नहीं, आप टीचर्स से कांटेक्ट करिए, पेरेंट्स से कांटेक्ट करिए, उनसे मोटिवेशन लीजिए, तो आपको और अच्छा फील होगा। और कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 14 आवर्स। कोचिंग का कितना रोल है कि आप यहाँ भी तैयारी करिए और सीधे कोटा तैयारी करने गए, तो कोचिंग से कितना अच्छा वे है? कोचिंग से तो बहुत अच्छा वे है, हम कोचिंग जाते थे, टीचर्स जो नोट्स लिखाते थे वो हम आके पढ़ते थे।